2023 में जो होने वाला है वो अभी हम आपको बता देना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से 2020 में जो हुआ और षड्यंत्र के चक्कर में सब फंस गए और दो साल तक आपने देखा किस तरह से कुछ बंद रहा, 2023 ऑनवर्ड ऐसा कुछ ना हो। तो आपके चैनल्स हटा दिए गए, उसके अलावा आपको और भी चीजें, यानी कि आपकी जो बुक है उसको बैन, उस पे भी बैन लग गया था, उसको उस पे भी रोक लगा दी थी पब्लिक करने से, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मूवी आने दी जाएगी, इस पे बैन नहीं लगेगा? या वो मुझे चकी नहीं, पूरा मुझे कंफर्म है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है 31 तारीख को, बिकॉज इसमें बहुत सारे सेंसिटिव ऐसे मामले हैं जिसमें पॉलिटिकल हलचल हो सकती है, इकोनॉमिकल फेलियर कैसे हो रहा है उसका जब कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो उससे लोगों के मन में एक भावना कि किस तरह से उनको लूटा गया, राइट, डिससेटिस्फेक्शन, ये सब आ सकती है। क्या इसके बारे में और कोई संदेश देना चाहेंगे आप कि कैसे आप एक्चुअली इन रियलिटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत एक ही सेकंड में आपके बनाए हुए घर जमीन जायदाद को लूटा जा सकता है या लूटा जा रहा है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू वंदना जी, धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर चौधरी, आप इस वक्त हैं कहाँ पर? पीछे आपके काफी खूबसूरत जगह नजर आ रही है। हाँ, आप जगह देखिए, यहाँ पे मैं हूँ वियतनाम में, और वियतनाम में यहाँ पे हैप्पी लैंड है, और यहाँ जहाँ पे मैं ठहरा हूँ जिसे कहते हैं बुंगलो, बुंगलो मतलब छोटा सा लकड़ी का घर है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा कमरा है, घर बोल सकते हैं, जंगल के बीच में, और यहाँ पेशेंट है हमारे साथ और सबको एक कमरा मिला हुआ है और ये 3 दिन मेरे साथ रहेंगे और होपफुली दे विल बी क्योर्ड। तो ये वियतनाम का हो चि मिन्ह के पास की जगह है जहाँ पे मैं हूँ। सर कैसे हैं आप वैसे? आई एम गुड, वंडरफुल, यस, क्वाइट वेल। आजकल आपका सोशल मीडिया में काफी आपकी चर्चा हो रही है, आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको लेकर के, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है द रियल वॉरियर्स, जो 31 अक्टूबर दैट इज 6 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती या नेशनल यूनिटी डे वाले दिन रिलीज होगा, और इसमें ये इंटरनेट पर रिलीज करेंगे, और इसका मेन मकसद है कि जिस तरह से षड्यंत्र बनाते हैं, षड्यंत्र चल रहा है 2 साल में आपने देखा भी, वो 2023 में जो होने वाला है वो अभी हम आपको बता देना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से 2020 में जो हुआ और षड्यंत्र के चक्कर में सब फंस गए और 2 साल तक आपने देखा किस तरह से कुछ बंद रहा, 2023 ऑनवर्ड ऐसा कुछ ना हो, तो उसके सारे सबूत लेके और एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्री बनी है। कई महीनों से इस पे तैयारी चल रही थी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर तरुण कोठारी, एडवोकेट नीलेश ओझा, रवि कुआड, कपिल बजाज और मैं, हम लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे इसमें। जो फिल्म के फिल्मकार हैं रवि राज सिंह, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से अभी रिटायर लिया, उनकी शर्त ये थी कि रिटायरमेंट के बाद ही मूवी लॉन्च होगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे सेंसिटिव ऐसे मामले हैं जिसमें पॉलिटिकल हलचल हो सकती है, इकोनॉमिकल फेलियर कैसे हो रहा है उसका जब कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो उससे लोगों के मन में एक भावना कि किस तरह से उनको लूटा गया, राइट, डिससेटिस्फेक्शन, ये सब आ सकती है। तो लेकिन ये सारा कुछ जानना एक आम आदमी के लिए, हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है, नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली। तो इसी उम्मीद से ये मूवी हम रिलीज करेंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कि इसके बाद किसी भी आम जनता को धोखा देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। डॉक्टर विश्वरूप, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपके यूट्यूब चैनल पे रोक लगी, आपको सोशल मीडिया पे काफी टाइम के लिए रोक लगा दी गई थी, इसके अलावा आपके चैनल्स हटा दिए गए, उसके अलावा आपको और भी चीजें, यानी कि आपकी जो बुक है उसको बैन, उस पे भी बैन लग गया था, उसको उस पे भी रोक लगा दी थी पब्लिक करने से, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मूवी आने दी जाएगी, इस पे बैन नहीं लगेगा? देखिए, या वो मुझे शकी नहीं, पूरा मुझे कंफर्म है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है 31 तारीख को, इसीलिए मैं आपको मैं खुल के बता नहीं सकता कि कहाँ पे रिलीज करूंगा। मैं ये बता सकता हूँ कि इंटरनेट पे वहीं रिलीज करूंगा जहाँ मैं अक्सर लाइव आता हूँ,
तो जो मुझे फॉलो करते हैं उनको आइडिया लग गया होगा मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, कौन से वेबसाइट या कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, मेरे पास एक प्लान बी भी है। प्लान बी ये कि हमारे करीब 100 जो एसोसिएट्स हैं, नाइफ एक्सपर्ट्स हैं, वाइज एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको हमने मूवी डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दी है और आपको भी हम भेज देंगे, और ताकि 31 तारीख को किसी वजह से अगर ब्लॉक हो भी गया तो भी 100 जगह पे ये मूवी मौजूद होगी 100 लोगों के पास। और ये मैं उन सबसे आपके इस चैनल के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तब इसको पब्लिक कर दें ताकि किसी भी रूप में सच को छुपाया ना जा सके। और ये जो खेल है वो कोई पिछले 2 साल का खेल नहीं है, पिछले कई सालों से जो तैयारी चल रही थी और आगे 2023 में खास करके जो होने वाला है, ये सारा कुछ सबूत के साथ है। और अगर ये पब्लिक को पता चल गया तो इस तरह के षड्यंत्र आगे भविष्य में आई एम श्योर की नहीं हो सकते। क्या इसके बारे में और कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि 31 तारीख को शाम को 6 बजे आप तैयार रहिए अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जब आप इसको देखेंगे, ये दुनिया की पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री होगी कि जो पहली और आखिरी बार देखने जा रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि देखते ही पहली बार में इसको इंटरनेट से गायब करने की कोशिश की जाएगी, तो देखते ही आप इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ये संदेश है, ताकि अगर ये गायब हो भी गया तब भी पर्सनली आपके पास रहेगा, सो दैट यू कैन रेफर इट इन फ्यूचर। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बीजेपी से रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें आपने क्या क्या खुलासे किए हैं, थोड़ा सा बताएं। देखिए, खुलासे में यह है कि जो भी आपके पास जमीन जायदाद है, सभी के पास, परदादों के, अपने पिताजी के, आपने भी जो कमाया है, ये बैंक में पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि बैंक में मेरे 1 करोड़ रुपए हैं या 10 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए हैं तो मैं सेफ हूँ, लेकिन वो बैंक में जो है वो क्या आपका है? क्या आपको पता है कल आपके पास रहेगा? क्या आपको पता है किसी दिन वो बैंक एकदम गिर सकता है, जो कि हो भी रहा है? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, आपको लगता है जो इल्यूजन है, उस इल्यूजन से बाहर निकालना इस मूवी का एक मकसद है कि कैसे आप एक्चुअली इन रियलिटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत एक ही सेकंड में आपके बनाए हुए घर, जमीन जायदाद को लूटा जा सकता है या लूटा जा रहा है। ये दूसरा, हेल्थ सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, दैट इज मेडिकल इंडिपेंडेंस। क्या मेडिकल इंडिपेंडेंट है? क्या बीमारी के चक्रव्यूह में फंसे नहीं है? और अगर है तो कैसे बाहर निकले? तो ये, और जो आजकल पॉलिटिक्स में चल रहा है या 2023 में जो चलने वाला है, उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहेगा, कुछ ऐसे डिसीजन जो आपको आज लेने हैं लेकिन उसका रिपरकशन आने वाले जनरेशन को होगा। जो भी आज फैसला आप लेंगे वही आपके आने वाले जनरेशन में उसका रिपरकशन होगा, तो आज का आपका फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें उसमें बड़ी गहराई से है, विद ऑल द एविडेंसेस आप देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री लगेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये रियलिटी है, फर्क सिर्फ इतना है इन कंपैरिजन टू एनी अदर बॉलीवुड मूवी कि ये आपकी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आपको पता ही नहीं, एक आम इंसान की कहानी, एक आम इंसान के साथ जो हो रहा है उसकी कहानी, जो उसको दिखाया जा रहा है, जो एक इल्यूजन में है, उसके अलावा जो उसकी एक्चुअल रियलिटी है उसकी कहानी। कितनी संभावना है कि इस पे बिल्कुल रोक लगा दी जाएगी? देखिए, आजकल हमें थोड़ा चालाकी से काम करना पड़ेगा, रोक तो लगा दी जाएगी, इसकी संभावना तो 100% ही है, लेकिन हमारा मकसद है कि किसी भी हालत में हमारे, हम जैसे एक जैसे जो एक सोच के लोग हैं, इंडिपेंडेंट सोच के लोग हैं, इसको हम लोगों तक पहुंचाएं, तो वो हम पहुंचाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, करेंगे। जो आपका प्लान बी है वो किस तरीके से काम करेगा? प्लान बी तो यही है कि हमने 100 लोग चुने हैं, आपको भी हम भेजेंगे, और वो 100 लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच गया है हमारा ये फिल्म, और उनको बता भी दिया गया है किसी वजह से 31 तारीख अक्टूबर 31 शाम की 6 बजे अगर ये मूवी नहीं दिखाई दिखती है तो आप फौरन ये जो हमने मूवी आपको भेजा है आप अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। तो दैट इज द प्लान बी। डॉक्टर विश्वरूप, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सभी दर्शक इस मूवी को जरूर देखेंगे और डॉक्टर विश्वरूप की इस मूवी का जो सच है वो सभी के सामने जरूर आएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।